तो जी वेलकम हो गया आप लोगों के मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं जो पहले करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, फ्री फायर खेलने जा रहे हैं। लेकिन 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 आई एम सो सॉरी, सबसे पहले मैं आप सबको इसलिए सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि जो है ना ये मैं रिप्ले रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो मैं नहीं बना सका था। तो जो है ना, सबसे पहली बात, ज़रा आप ऊपर ध्यान से दे सकते हैं हमारी टीम मेट की तरफ पे, ओपी दानियाल नाम का थर्ड नंबर पे एक बंदा है। कसम से कह रहा हूँ, इसके साथ होता क्या है, ये बार बार रिवाइव हो जाती है, मतलब इसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होता है, मैं बंदे को मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। तो ये जो है ना, अभी मैं तो कसम से मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की है, अभी मैं लैंड हो ही रहा था, पैराशूट पर था ही अभी, तो ये मर गया नीचे आके। पता नहीं अब कैसे मरा अभी, लेकिन इसे जल्दी रिवाइव हो जाएगा। तो जो अच्छा खेल रहा था वो खेल रहा था यहाँ पे सलमान, चले भी ओपी दानियाल भी रिवाइव हो चुके हैं। एल एस सलमान काफ़ी अच्छा खेलेगा इस मैच में, इसने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और अच्छा खेला है। और अब जो है ना, मैं यहाँ पे लूट के चक्करों में इधर उधर भटक रहा था, ये ठंडी नहीं होगी सर, इंग्लिश हिंदी का लफ्ज़ बोल दिया। अब यहाँ पे ये नंबर फोर भी डाउन, ओ यार क्या करते, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये देखिए अब सलमान मेरे पास आ चुका है, अभी जो है ना यहाँ से बस कंटिन्यू करते हैं गेम को आगे की तरफ। अब यहाँ पे जो है ना, कसम से यहाँ पे बंदे मुझे मिलते ही नहीं है, जो है ना गुस्सा चढ़ता है कि स्टार्टिंग में बंदे नहीं मिलते वो। तो अगर आप लोग, कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो यार कुछ सब्सक्राइबर हमारे भी करा दो, लोग इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, हमारे 50 सब्सक्राइबर नहीं होते भाई साहब, कितनी शर्म की बात है ना यार, 50 सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पूरे, 50 को छोड़ा 10 भी नहीं है पूरे। चलो छोड़ा यार, कोई नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कर देना बरहल। ओ तो अभी मैं जो है ना गेम को आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, यहाँ पे शायद यहाँ पे बंदा आएगा मुझे मारने। अभी इस तरफ को मैं जा ही रहा था तो यहाँ पे बंदा मोटरसाइकिल पे आ रहा था और मैं इसे ACT के बॉडी शॉट भर देता हूँ और इतने गंदे गंदे बॉडी शॉट मारता हूँ कि ये उसी टाइम उसे फिनिश भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपनी ये क्या नाम है, ये क्या कहते हैं इसको, डब्बा गाड़ी पकड़ के तो मैं उसको लूट करने के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि उससे ग्लू लेनी होती है मैंने यार। चले अब यहाँ पे गाइस मेरी एक और फाइट होगी और उसमें मैं बड़ी मुश्किल से बचता हूँ और उसमें भी मैंने वही किया जो मैं करता हूँ, बॉडी शॉट भरता हूँ क्योंकि हेड शॉट तो हमें आते नहीं मारने, इसलिए बॉडी शॉट ही हम भरते हैं। अभी जो है ना जल्दी से ना, ये देखे ओपी दानियाल, अभी आपको कहा था ना इसे दोबारा मर जाना, ओपी दानियाल को देख सकते दोबारा मर गया है और इसने यहाँ पे ग्लू लगा ली। यहाँ पे एक बंदा ज़रूर है लेकिन अभी देखना इसके साथ मैं करता हूँ। MP5 से उसको पहले मैंने स्प्रे दिया, उसके बाद ACAT मैंने टाइम पे निकाल ली वरना इसने तो मुझे थोड़ा गंदा ख़त्म करना था। बहरहाल ये मैच मेरा काफ़ी अच्छा जाने वाला है, अभी जो है ना जल्दी से इनको दोबारा रिवाइव कर ही देते हैं वरना मेरा दिमाग खाते रहना है। अच्छा इन दोनों को जो है ना मैंने रिवाइव कर दिया। अभी हम बंदों की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे लेकिन दानियाल ने यहाँ पे अब बंदा मार ही दिया फाइनली, काफ़ी मुशक्तों के बाद, दो बार मरने के बाद इस दानियाल के बच्चे ने एक किल कर लिया है। अब यहाँ पे सलमान देख सकते हैं अर्सनल को लूट रहा है और ये मेरे साथ साथ ही घूम रहा है या फिर मैं इसके साथ घूम रहा हूँ कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ पर Level 3 की स्कार पड़ी थी अर्सनल पर तो मैं वो उठा लेता हूँ। अभी जो है ना सलमान यहाँ पर क्या कह रहा था मुझे उसका कोई समझ नहीं आ रही थी, बट उसे छोड़ते हैं। अभी मैं सलमान को फॉलो करते करते यहाँ पर रोड साइड पर आ गया हूँ और यहाँ पे जल्दी से मार लेता हूँ रिपेयर किट। और ओपन में बैठ के ये वाली गलती कभी ना करना, ओपन में बैठ के आप लोगों ने कभी भी ग्लू वाल नहीं, मैडी वगैरह नहीं लगानी कुछ भी। तो अभी जो है ना मैं सलमान को यहाँ पे फॉलो करता हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा मेरी लॉन्ग रेंज की गन तो Level 3 की थी लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरी MP5 भी Level 3 की हो जाए, तो इसलिए ना मैं इधर उधर घूम रहा था कि मुझे कहीं वो मिल जाए ना अपग्रेड चिप। अभी यहाँ पे सलमान मेरे पास आता है और क्या नाम है, नंबर 4 का ना यहाँ पे डैमेज पड़ता है मेरे ख्याल से, वहाँ बंदे हैं जिस टाइम मैं भाग के उस तरफ की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे ग्रू लगी तो हुई है लेकिन शायद वो मेरी टीममेट की है। अभी सलमान ये जो है ना क्या नाम है नंबर 4 ये आगे चला गया, मैं यहाँ पे उसका इंतज़ार करता हूँ। मैं अर्सनल लूट तो लिया था फिर मैं वापस क्यों लूटने आया, मुझे ये नहीं समझ आई। अच्छा अब जो है ना यहाँ पे बंदा है ऊपर है, चले आए फिर ये नंबर दानियाल 3 यहाँ पे इस बारा मर जाएगा। मार दिया बंदे को तो मार दिया है, कसम से यार बंदे को मार दिया, क्या तुक्का लगा है यार आपका, पर हल तुक्का तो नहीं, कुछ ऐसे ही मारा होगा ना
प्लेयर हो है, अच्छा खेलता है ये बंदा, लेकिन कभी कभार चवलियाँ मारता है। लेकिन यहाँ पे ना बंदों को हम भी तलाश करी जा रहे थे, मैं सलमान यहाँ बैठे हुए थे बंदों को ढूंढने के लिए। अभी यहाँ पे एक बच्ची ओ, एक बंदा मुझ पे रश कर देता है, पता नहीं मेरा काम है सलमान का मुझे। तो मैं जो है ना यहाँ पे नीचे उतर जाता हूँ जल्दी से आगे जाने के लिए। तो अब क्या करना है मुझे ये नहीं समझ आ रही, कुछ तो कर लो। आगे निकलते हैं, अब यहाँ पे क्या करूँगा समझ नहीं आ रही क्या होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरी वाइट स्क्रीन आ जाती है, उसको थोड़ा सा इग्नोर मारे, वाइट स्क्रीन को थोड़ा इग्नोर मार दें प्लीज़ गाइस। वैसे गर्मी बहुत हो गई है यार, समर के अंदर गर्मी बहुत होती है यार, कसम से बंदे का ना मीटर शॉर्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे ही बैठे कैंप कर रहे थे, तो पता चलता है दानियाल भाई ऊपर जा रहे हैं, चलाएँ देखते हैं इसकी पेटी बनेगी क्या या किल निकालेगा। चले फिर जाते हैं ऊपर की साइड पे। दानियाल आराम से मरी यार, अभी कब्र का क्या नाम है इंतज़ाम नहीं हुआ। मुझे यार डैमेज पड़ता है और मैं वुकंग बनता हूँ, लेकिन उसने मेरा वुकंग तोड़ दिया। मेरी एचपी देख सकते हैं आप ऊपर कितनी कम रह गई है। मेडिल सुपर मेडिल लगा लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर मैं उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन यार तो मेरा नाम नहीं, ये किल जो है ना मेरा दानियाल ले जाता है। अभी मैंने काफ़ी मुश्किल से इसको डैमेज दिया था, देखें आप, दानियाल मेरा किल ले जाता है। उसको मैंने इतना गंदा डैमेज दिया था यार, 23-23 की इतनी इतनी छोटे मारी थी मैंने उसको। अभी यहाँ पे दानियाल एक और किल निकाल लेता है। ओए होए होए होए, पीरो प्लेयर है यार ये तो। अब सलमान मुझे नज़र नहीं आ रहा था कहाँ पे ही है, अच्छा वो दानियाल के पास ही है। ये गायब हो जाता है अचानक से, तो समझ भी नहीं आती जाता कहाँ पे है। अभी जो है ना जल्दी से यहाँ से लूट करते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे जो है ना बंदों के ढूंढते यहाँ पे पीक वाली साइड पे आ जाते हैं, और लास्ट जोन भी यहीं पे बनना था, बल्कि यहाँ नहीं बनना था, कहीं और बनना था। यहाँ पे मैंने एक बंदे को हेड कराया, लेकिन यार किल चोरी हो गया, बट कोई नहीं। अभी मैं इस बंदे को ओनली रेड तो नहीं, थोड़े बॉडी शॉट भी मारे, लेकिन 2 रेड नंबर मारे करा के तो निकल जाता हूँ। और नॉक बंदा था, और यहाँ पे हमने फाइनली पुलिस स्क्वाड ख़त्म कर दी। लेकिन वाइट स्क्रीन यार क्या दिमाग ख़राब है, अगर आपको उसका सोल्यूशन पता है, वाइट स्क्रीन का सैमसंग का ये फ़ोन है, तो अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो है ना अभी नीचे वाली साइड पे निकलते हैं, फाइनली मेरे 4 किल हो जाते हैं और 19 बंदे रह जाते हैं, और हमारी पूरी स्क्वाड एक साथ ही थी। इसका मतलब बुइया होगा ही रहेगा, हम बुइया करेंगे इस सीज़न, और इस सीज़न नहीं इस मैच में शायद बुइया हो जाए। अभी यहाँ पे बंदों को ढूंढ ही रहा था मैं, पीछे से फायर आता तो मैं उसी टाइम निकल पड़ता हूँ। सलमान यहाँ लेट के क्या कर रहा था पता नहीं क्या कर रहा था। अब इसको जो है ना यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ, अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्लू लगा लेते हैं। तो अभी जो है ना मैं इस पर रश कर देता हूँ, क्योंकि साइड से भी जो है ना डैमेज पा रहा था, साइड से भी डैमेज पा रहा था, इसलिए मैं जो है ना इस पर रश कर देता ताकि इसे मुका के तो फिर बाकी वाले को बाद में देखूँ, क्योंकि मैंने इसको डैमेज दे दिया था। अब इसको जो है ना मैं यहाँ पे ग्लू लगा के जल्दी से फिनिश करता हूँ, और फिर ना आगे वाले बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मैं आगे वाले बंदे को देखने के लिए मुड़ता ही हूँ, अबे यार ये कौन सी गन उठा ली, अबे MP5 उठाना, अच्छा उठा ली। यहाँ पे मैं आगे वाले बंदे की तरफ देखता ही हूँ, तो यहाँ पे पीछे से मुझे फायर पड़ जाता है देखें। लेकिन ये बंदा नूबड़ा ही था, वरना इसने मुझे आराम से मार देना, इसलिए मैं इसको ना बुकों के अंदर मार देता हूँ। अब इसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। अलहम्दुलिल्लाह मेरे 6 किल हो गए थे। अभी जो है ना दानियाल साहब उस पर रश करने के लिए निकल जाते हैं, तो जो है ना मैं सोचता हूँ मैं भी आगे की साइड निकलता हूँ, क्योंकि आगे फाइट हो रही थी। यहाँ पे सलमान अकेला था, तो मैं इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गया, कटाना लेके, कटाना से बंदे को मारेगा। अभी यहाँ पे साइड पे भी बंदा था, इनको मैंने काफ़ी गंदा डैमेज दिया, लेकिन ये बच ही जा रहे थे बार बार। लेवल 3 की स्कार होना तो मज़ा बड़ा आता है खेलने में। अभी जो है ना यहाँ पे मैं बंदे को देख ही जा रहा था, हर साइड पर बंदे थे, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। अभी यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे था एक बंदा, मैंने उसको डैमेज देने की कोशिश की है, लेकिन ये निकल गया किस तरीके। दानियाल दोबारा मर चुका है 3rd टाइम, और सलमान नहीं मरा, सलमान मेरे साथ ही है, क्योंकि वो फड़ा हुआ है थोड़ा सा, पड़ा हुआ है थोड़ा सा। सलमान यहाँ पे डरते डरते मेरे पास आ जाता है, बल्कि किसी वजह से ही आया होगा, डर के तो नहीं आया होगा। अभी यहाँ पे सामने एक बंदा होता है, और मैं सलमान से कहता हूँ जा रश कर ये, लेकिन ये नहीं जा रहा था,
इसलिए मैं ग्लू लगा के, मुझे जोर स्टार्ट हो गया था, इसने आगे निकलना था। मैंने कहा चलो इसको हेडशॉट ट्राई करते हैं, इसको हेडशॉट कराते हैं, लेकिन हेडशॉट बजे ही नहीं। तो थोड़े नूबड़े हैं ना, समझा करो। इसको बॉडी बॉडी करा के अलहमदिल्ला मेरे 6-7 किल हो गए। अभी जो है ना आगे की तरफ निकल रहे थे, तो मैंने इस बंदे को काफ़ी गंदा डैमेज दिया। यहाँ पर कितनी पेटियाँ पड़ी है यार, कसम से पता नहीं रिकॉर्ड तो नहीं बन गया। अब यहाँ पे बंदे को मैं वन टैप मारती हूँ, यहाँ पे बंदे को मैं हेड कराता हूँ और उसे फिनिश कर देता हूँ उसी टाइम पे। अब यहाँ पे जो है ना सलमान एक बंदा मारेगा कि हाँ मारेगा, यहाँ पे सलमान एक बंदा मार देता है। ये क्या हो गया? अब यहाँ पे देखे सलमान एक बंदा यहाँ पे डाउन कर देता है, उसके 2 किल हो जाते हैं पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे जो है ना मैं आगे नेट फेंकता हूँ, लेकिन मुझे पता गेम की तरह मुझे नहीं था पता कि वो सलमान ने उस बंदे को मार दिया। अब यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदा सामने था और मुझे नहीं था पता, क्योंकि सलमान तो नीचे वाली साइड पे चला गया था। ये अचानक से मेरे सामने बड़ा गंदा हेड पड़ गया, इसलिए मैं MP5 से उसे बॉडी मार के मुका देता हूँ। अब यहाँ पे सलमान जो है ना नीचे ग्लू के पास वाली साइड पे जो है ना सलमान एक बंदे को मारने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो उसे मारते थे, इसलिए मैं बॉडी करा देती हूँ। अब मेरे फाइनली 10 किल हो चुके थे और अब यहाँ पे 2v2 की सिचुएशन आ चुकी थी और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी कहाँ पे, इसको मैं बॉडी कराता हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आगे की तरफ निकलते हैं, लेकिन ये लॉन्च पैड काफ़ी चला रहा था, इसलिए मैंने एक नेट का ट्राई किया, लेकिन वो आगे तक गया ही नहीं। मैं जो है ना अब मैं सोचता हूँ कि ग्लू लगा के थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे ना मैं ग्लू लगा के आ तो जाता हूँ, लेकिन अब सोचता हूँ दोबारा नेड मार लेता हूँ, क्योंकि कोई नहीं होता, खैर है लास्ट फाइट है तो यूज़ कर। अब ये ग्लू लगा के मेरे करीब आ जाता है तो मुझे पता भी नहीं चलता, मैं अपनी ग्लू पे ग्लू ज़ाया करी जा रहा हूँ डैमेज देने के टुकड़ों में, लेकिन यार ये काफ़ी लो कर देता है मुझे। अब इसी का फ़ायदा और जब मैं ऐसे फायर देता हूँ तो मुझे मुका देता हूँ।